गुड मॉर्निंग 9th क्लास। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जैसे ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। सेम एज प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो टोटल ये न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ हमने मेजर न्यूट्रिएंट्स में रखे हैं और कुछ हमने रखे हैं किसमें, हमने कुछ रखे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी। टोटल होते हैं ये 13 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इन 13 न्यूट्रिएंट्स में से 6 हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में, इसीलिए हम उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो 7 होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए हम उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नीचे मैंने आपको ये टेबल बना के दी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस किस से हमें मिलते हैं, कौन मैक्रो है और कौन माइक्रो है। तो एयर से देखिए हमें 2 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मेनली कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर से हमें मिलता है हाइड्रोजन, दोनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद सॉइल से हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिलता है, इन्हें भी हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा हुआ है। बाकी के जो हैं सॉइल से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब भी किस में है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में है। आयरन की बात अगर हम करें, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम, ये सब कौन से में आते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इधर आ जाते हैं हम कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर वो फर्टिलाइजर्स होता है जिसके लिए हम कुछ भी केमिकल जो होता है वो यूज़ नहीं करते हैं, जो पूरी तरह से हमने नेचुरल चीज़ों से बनाया है, डिकम्पोज्ड करके बनाया है चीज़ों को, चाहे वो प्लांट वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट हो। एनिमल वेस्ट में क्या आ गया, जैसे काउ डंग है और ह्यूमन एक्सेट्रा है, या उनकी बॉडीज जो डिकम्पोज हुई हैं। सेम एज प्लांट्स में क्या आ जाएगा, उनकी उनकी लीव्स, उनके स्टेम्स वगैरह जो टूट करके नीचे गिर जाते हैं, वो धीरे धीरे सड़ते हैं और फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को मिला करके जो हम बनाते हैं उसे, वो क्या होता है, वो मैन्योर होता है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल जो वेस्ट होता है ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और इसे हम 3 टाइप से बना सकते हैं, जो मेन 3 टाइप हैं। पहला है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है, जो हमने वही चीज़ों को सड़ा करके जो चीज़ हम बनाते हैं, जो वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, वीड्स हो गए, इन सबको क्या करें कि हम एक गड्ढे के अंदर भर दें, फिर उसके ऊपर से हमने एक क्या डाल दी, मिट्टी की एक लेयर डाल दी। कुछ टाइम के बाद जब हम उसे निकालेंगे तो वो सड़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपोस्ट कैसा होता है, ऑर्गेनिक मैटर है और न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के लिए हम डिकम्पोजन करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम रेड वर्म्स की हेल्प लेते हैं, इसलिए देखो मैंने इसको रेड कलर से लिया। तो वर्मी कंपोस्टिंग में आपने देखे होंगे पतले पतले बिल्कुल अर्थ वर्म के जैसे ये कीड़े होते हैं, तो रेड वर्म जो होते हैं इस कंपोस्ट को जल्दी से सड़ा देते हैं और उससे जो वो कंपोस्ट बनता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। फिर आ जाता है आपका ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर्स में क्या होता है कि क्रॉप के सीड्स को सो करने से पहले, यानी कि बोने से पहले, हम कुछ ग्रीन मैन्योर्स को उसमें उगाते हैं, ठीक है, जिसमें सन हैम, क्लस्टर बीन्स, दिनचा, काउपी और लोबिया वगैरह, लेंटिल्स आ जाते हैं। लेंटिल्स मतलब जितनी भी दालें हैं हमारी, ठीक है, हॉर्स ग्रैम हो गए, ठीक है, इन सबको हम उगाते हैं। और फिर क्या करेंगे उनको कि जिनके जो पेड़ बचेंगे उनको हम काटेंगे नहीं, उनको डायरेक्ट उनको ऐसे प्लगिंग कर देंगे और उसको मिट्टी के अंदर मिल जाने के लिए हम छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे गल करके मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन कॉम्पोस्ट बोलते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये मिट्टी को क्या, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच बना देते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स वो हैं जो हमने केमिकली बनाए हैं। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए हम पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनके लिए हम ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो फैक्ट्रीज, यानी कि केमिकली या कमर्शियली हमने बनाए हैं, ठीक है, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली ये नहीं होते हैं। फिर आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर हम कोई भी केमिकल्स यूज़ ना करें, कोई फर्टिलाइज़र ना यूज़ करें, कोई हर्बिसाइड, कोई पेस्टिसाइड्स ना यूज़ करें। हम ज़्यादातर क्या चीज़ें यूज़ करें उसमें, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमें नेचुरली मिली है, ठीक है। रिसाइकल करें हम वेस्ट को,
बायो एजेंट्स को यूज़ करें, ब्रूगीन एल्गी को प्रिपरेशन करने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स और नीम लीव्स हो गई, हल्दी हो गई हमारी, इन सबको हम यूज़ करें एज ए प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, जैसे हमें ग्रेन स्टोर करना है तो हम उसमें नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं ताकि वो सड़े ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम कोई भी अननेचुरल चीज़ यूज़ ना करके सभी नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो खेती करना हो या फिर ग्रेन को स्टोर करना हो। ठीक है, अब इसमें जो स्टाइलिंग होता है क्रॉपिंग सिस्टम का, मिक्स्ड हो चाहे इंटरक्रॉपिंग हो या क्रॉप रोटेशन हो, ये सब भी बहुत बेनिफिशियल होता है पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए भी जो सारे सिस्टम्स होते हैं, ये भी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मींस कि जो हमने प्लांट्स को पानी देना है, जो सिंचाई करनी है, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। तो इसका एक टाइम लिमिट्स होता है कि हमें राइट टाइम पे, राइट स्टेज पर, समय समय पर क्रॉप को पानी देना होता है। उससे क्या होता है कि वो जल्दी से ग्रोथ करते हैं और अच्छी डेवलपमेंट और अच्छी यील्डिंग देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉल, कैनल्स, रिवर्स और टैंक्स यूज़ करते हैं। अब वॉल्स क्या होते हैं, कुएं होते हैं बच्चों, दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ट्यूब वेल और एक होते हैं डग वेल। जो नॉर्मली डग वेल जो होता है, जो गड्ढे के जैसा होता है, आपने देखा है, इसमें रस्सी से पानी खींचा जाता है। और एक आपको पता है कि जब लंबे हम ज़मीन के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्यूब्स डाल देते हैं, तो उन ट्यूब्स को के थ्रू हम मोटर से पानी निकालते हैं, वो होते हैं ट्यूब वेल्स। फिर होता है हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो पान आसपास से कोई नदी जा रही होती है, तो हम एक इरेगुलर एक्सल्स के लिए हम रिवर में से ही कुछ छोटी छोटी कैनल्स काट लेते हैं और पास के जगहों पर भेज देते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। फिर आ जाता है हमारा एक टैंक कि हम छोटे छोटे रिजर्वियर्स बना लें, कुछ स्मॉल स्टोरेज बना लें जिसके अंदर हम पानी भर के रख लें कुछ टाइम के लिए, और फिर बाद में अगर बाई चांस लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो हम उन टैंक्स के पानी को यूज़ कर लें। अब आ जाते हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स की, क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, कई टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, कि पहली होती है मिक्स क्रॉप,